दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम लखन पाल। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेरॉइड पे एक सीरीज, भारतीय दंड संहिता 1860 का एक परिचय, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अपराध। आज हम जानेंगे अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं, क्या कोई कुत्ता अपराध कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, क्या कोई कुत्ता अपराध कर सकता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए बात करते हैं अपराध क्या है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध एवं समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल होता है, वह अपराध है। तो प्रसिद्ध विधि शास्त्री स्टीफन ने कहा कि कोई भी ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा प्रतिषेधित है, यानी विधि द्वारा मना किया गया है, यह समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल है, यानी समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। विलियम ब्लैकस्टोन के अनुसार किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री विलियम ब्लैकस्टोन भी कहते हैं कि कोई ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा प्रतिषेधित है, उसके उल्लंघन में किया गया है, वह कार्य अपराध है। अभी मान लीजिए कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और उसमें आपको समादेशित किया गया है कि आप अपने घर से बाहर न निकलें, उसके बावजूद आप अपने घर से बाहर चले जाते हैं बिना किसी रीजनेबल कारण के, तो फिर ये विधि को उल्लंघन में किया गया कार्य है, अर्थात इसको अपराध की कोटि में माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 में अपराध को परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि इस दंड संहिता में जिस कार्य को अपराध के रूप में घोषित किया गया है एवं दंडनीय बनाया गया है, वह अपराध है। उसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में यह परिभाषा दी गई है कि ऐसा कोई कार्य जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को रेस्पेक्ट नहीं करता है या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध है, वो दंडनीय है और वही अपराध है। इस संहिता के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जिनमें अपराधों के बारे में बताया गया है, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गौवध निवारण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आदि, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनमें अपराध को बताया गया है। तो कम से कम हमारे पास अपराध की 4 परिभाषाएं हैं जिनको गौर से देखने पर यह प्रतीत होता है कि वो एक ही बात कहना चाहती हैं, और वो बात यह है कि ऐसा कोई कार्य जो विधि द्वारा यानी कानून द्वारा मना किया गया है, वो कार्य अगर किया जाता है तो वो अपराध की कोटि में आता है। तो आइए बात करते हैं अपराध के आवश्यक तत्व के विषय में। किसी भी अपराध को पूर्ण करने के लिए या अपराध को करने के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं, जिनमें पहला है मानव, दूसरा है दुराशय, तीसरा है कृत्य, चौथा है क्षति। यानी इन 4 चीजों को मिलाकर ही अपराध गठित होता है, अपराध कंप्लीट होता है। हालांकि इसके भी कुछ अपवाद हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं दुराशय क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। दुराशय का मतलब होता है ऐसा आशय जो गलत तरीके का है। हालांकि भारतीय दंड संहिता में दुराशय को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्दों को मिलाया गया है, शब्दों को लिया गया है जिसको देखकर ही बोध होता है कि ये दुराशय के ही पूर्ति करते हैं, जैसे स्वेच्छा, जानबूझकर, उपेक्षापूर्वक, उतावलेपन से और दुर्घटनावश आदि। लैटिन की एक सूक्ति है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मींस सिट रिया,
तब तक कोई कार्य अपराध नहीं है जब तक मन अपराधी न हो। हालांकि कुछ कृत्य मींस रिया के बिना भी अपराध होते हैं, जैसे लोक बाधा, दुर्विवाह, व्यपहरण, अपहरण, राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना आदि। इन अपराधों में कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है या कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। क्या कोई कुत्ता अपराधी हो सकता है? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम बात करेंगे कि क्या कोई कुत्ता अपराध कर सकता है, तो उसका उत्तर है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं कर सकता, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई कुत्ता इसलिए अपराध नहीं कर सकता क्योंकि भारतीय दंड संहिता में जो अपराध की जो बात कही गई है और अपराध के जो चारों आवश्यक तत्व तो हैं, उसमें किसी भी जानवर की बात नहीं कही गई है। उसमें कहा गया है मानव होना चाहिए, उसका दुराशय होना चाहिए, उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य होना चाहिए और उससे किसी को क्षति हुई होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है तो उसका जो मालिक होगा वो पनिशेबल होगा कि उसकी उपेक्षा की वजह से या उसके ओमिशन की वजह से किसी को उस कुत्ते ने काट लिया है। तो ये आप समझ लीजिए कि कोई कुत्ता कभी अपराध नहीं कर सकता क्योंकि वो मानव की श्रेणी में नहीं आता है, वो एक जानवर है। तो हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, जिसमें आपने ये जाना कि अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है, क्या कोई कुत्ता अपराध कर सकता है। तो एक बार फिर से बता दूं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई कुत्ता अपराध नहीं कर सकता। अगर कोई अपराध कर सकता है तो वो कर सकता है मानव। आईपीसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।